नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। देखिए, जितने भी आपके लिए ये वीडियो अपलोड किए जा रही हैं वो सभी आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि NCERT जो आपके 6th क्लास से लेकर के जो 10th क्लास तक की NCERT की जो बुक्स हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए एक तरह से हमारा बेस बनाने के तैयार करते हैं, चाहे हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या इवन आपके UPSC और ये विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, इन सभी में जो कोई भी अगर जो क्वेश्चन का हमें अगर जो कोई क्वेरी लगानी होती है या उससे कंप्लेंट होती है हमारी, तो वो केवल और केवल एप्लीकेबल, वो केवल और केवल मान्य होती है हमारी NCERT बेस पर। क्योंकि सभी राज्यों में आप CBSE पैटर्न देखें तो CBSE के आधार पर चाहे KVS हो, नवोदय हो, इन सभी में आपकी NCERT बुक्स चलती हैं और NCERT को बेस मानकर ही कोई जो पेपर है वो सेट किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसी आधार पर आज हम जो मॉनसून है, मॉनसून किस प्रकार से आता है, ये सब आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स, जैसे कि आपकी व्यापारिक पवने होते हैं उनके विपरीत जो मानसूनी पवने होती हैं आर नॉट स्टडी, ये धीमी गति से चलने वाले नहीं हैं, बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। पल्सेटिंग का मतलब होता है जो तीव्र गति से अचानक बहने, जो इनकी जो गति है वो बढ़ जाती है कई बार। तो अफेक्टेड बाई डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशंस, और विभिन्न प्रकार की जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उन सब का ये परिणाम होती हैं, उन सभी की वजह से ये आपके जो वायुमंडलीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उन सभी के एनकाउंटर्ड बाई इट, जब सभी परिस्थितियाँ आपस में टकराती हैं तो उस वजह से, जैसे कि अगर जो ज़्यादा टकराते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के साइक्लोन का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है, मानसून आता है ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, जब ये गर्म या आपके जो एक तरह से देखा जाए जो गर्म आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, समुद्रों का जो जल गर्म होता है, वहाँ से जब ठंडी पवने ऊपर की तरफ निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बहती हैं तब इन पवनों की उत्पत्ति होती है। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 days, यानी 100 से 120 दिन की जो मानसून होता है इसकी अवधि होती है। अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, जो कि जून के प्रारंभ से लेकर के, यानी एक तरह से देखा जाए तो 1 मई के आसपास जो हमारे जो तटीय प्रदेश होते हैं, या ये कहें कि हम 1 जून को जो हमारा जो पश्चिम तटीय प्रदेश हैं, पश्चिम तटीय प्रदेश यहाँ पर जो है 1 जून के आसपास ही मानसून का आगमन हो जाता है और ये लगभग मध्य सितंबर तक जारी रहता है। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली, जो हमारी सामान्यतः जो बरसात की जो मात्रा होती है वो अचानक बढ़ जाती है एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून, यानी मानसून का फटना, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि मानसून बर्स्ट का मतलब होता है फटना, जैसे आपका क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कई बार बादलों का फटना होता रहता है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। तो उसी प्रकार से जब ये लगातार कई दिन तक बारिश होती रहती है, तेज़ बारिश रहती है, तो इसको मानसून बर्स्ट बोलते हैं एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शोवर्स, और इसको हम जो प्री मानसून शोवर्स होती हैं, मानसून से पहले जो बौछारें होती हैं तटीय प्रदेशों के अंदर, उन बौछारों से ये एक तरह से भिन्न होती जाती हैं जब अचानक मानसून की तेज़ बारिशें आती हैं। द मानसून अराइज एट द साउदर्न पिट टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाई द 1st week ऑफ जून, यानी जून के पहले सप्ताह में जो ये मानसून है, ये मानसून हमारे जो साउदर्न जो टिप है इंडिया का, जो पेनिनसुला है प्रायद्वीप पठार के जो दक्षिणतम छोर है, कन्याकुमारी वाला जो एरिया है, केरला कन्याकुमारी वाला एरिया, यहाँ पर जो है जून के 1st week में ही पहुँच जाता है। सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होता है, इट प्रोसीड्स इनटू टू, आगे चल करके ये जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो मानसून है ये भारत के जो दक्षिणी बिंदु पर पहुँचने पर, दक्षिणी टिप पर पहुँचने पर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसकी एक शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, जबकि दूसरी शाखा आपकी इसकी शाखा जो है वो पश्चिमी अपना जो तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तट के साथ साथ आगे बढ़ते हुए जो अपना अरावली पर्वत है उसके पैरेलल जाते हुए हमारे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से
होते हुए आगे हिमालय पर्वत तक जाती है। यहाँ पर देखिए द अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांचेज रीचेज मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of June। और आपकी जो अरब सागर वाली जो शाखा है ये लगभग मुंबई वाला जो तट है वहाँ पर 10 दिन लेट यानी 10 जून के आसपास पहुँचती है। 10 जून के आसपास ये मुंबई तट पर पहुँच जाती है। दिस इज़ ए फेयरली रैपिड एडवांस, जो कि एक तरह से देखा जाए तो तीव्र गति से इसकी जो गति है, जो इसका जो आगे बढ़ने का जो तरीका है वो तीव्र है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेज रैपिडली, और बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो भी तेज गति से आगे बढ़ती है। एंड अराइज इन असम इन द 1st week of June, और ये भी जून के प्रथम सप्ताह में आपके असम में पहुंच जाती है। द लोफ्टी माउंटेन्स कोजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द वेस्ट, और जो ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत जो हैं ये मानसून की दिशा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, और इसका जो मार्ग है वो पश्चिम की तरफ हो जाता है, पश्चिम दिशा की तरफ इसको मोड़ देते हैं। ओवर द गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदानों की तरफ इसका जो है बहाव हो जाता है, इन पवनों का बहना शुरू हो जाते हैं, पवनें चलने शुरू हो जाती हैं। द मिड जून, बाई द मिड जून, मध्य जून तक द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। लगभग मध्य जून तक जो आपके अरब सागर वाली जो शाखा है वो भी सौराष्ट्र कच्छ और मध्य भारत तक जो पहुँच जाती है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, और इस प्रकार से जो भारत का गंगा का मैदान है, गंगा घाटी वाला जो मैदान है, जो उत्तर पश्चिमी जो मैदान है वहाँ पर ये दोनों पवने आकर के टकराती हैं। एंड दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शोवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दिल्ली के आसपास जो बारिश होती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है उससे होती है। बाई द एंड ऑफ जून, जो कि जून के अंत तक जो है, यानी टेंटिवली डेट इज 29th of June, यानी लगभग जून के एंड तक जो है दिल्ली के आसपास जो है बारिश शुरू हो जाती है, मानसून की बारिशें आ जाती हैं। बाई द 1st week of July, और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून, यानी वीक जो जुलाई महीने का जो प्रथम वीक होता है इसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और आपका जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर मानसून की बारिश जो है दस्तक दे देती है, पहुँच जाती है जुलाई के 1st सप्ताह तक। बाई मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और आप के ये देखें कि जुलाई के मध्य तक जो है ये मानसून की जो बरसात है ये लगभग पूरे भारत के अंदर फैल जाती है जुलाई के मध्य तक। विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून, ये तो था आगे बढ़ता हुआ मानसून। देखिए आगे बढ़ता हुआ मानसून हमने देखा कि किस प्रकार से अरेबियन से जो हमारा हिंद महासागर है यहाँ से ये जो शाखाएँ ये मानसून के पवन स्टार्ट होते हैं मेडागास्कर वाले रीजन से, और जैसे ही ये आपके भारत के जो दक्षिणतम छोर है वहाँ पर पहुँचते हैं, कन्याकुमारी केरला के आसपास पहुँचते हैं, तो यहाँ पर ये शाखा जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है मानसून की पवने। एक शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है और एक अरब सागर में अपने पश्चिमी तट के साथ बहते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि लगभग 1st week तक जो है मुंबई तक पहुँच जाती है, और जून के मध्य तक ये सौराष्ट्र तक पहुंच जाती है, सौराष्ट्र गुजरात और यहाँ तक पहुंच जाती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो जुलाई जो का जो महीना होता है जुलाई के महीने के मध्य तक जो है पूरे भारत में मानसून की पवने जो हैं पहुंच जाती हैं, उसके बाद मानसून का पीछा हटना शुरू हो जाता है, रिट्रीट ऑफ मानसून बोलते हैं जिसको, द विड्रॉल या रिट्रीट ऑफ द मानसून, मानसून का पीछे हटना इज़ ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये और भी अधिक धीमे प्रोसेस होता है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली सेप्टेम्बर, देखिए सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं भारत के वहाँ से मानसून जो है पीछे हटना शुरू हो जाता है सितंबर के जो 1st week है उसके दौरान। बाई मिड अक्टूबर, अक्टूबर के मध्य तक इट विड्रॉल्स कम्प्लीटली, यानी अक्टूबर के मध्य तक ये पूरी तरह से वापिस हो जाता है फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, जो हमारे प्रायद्वीप पठार का उत्तरी छोर है, उत्तरी भाग है, वहाँ से लगभग ये पूरी तरह से रिट्रीट कर चुका होता है, पीछे हट चुका होता है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिड, और जो हमारे
प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ से जो इस पीछे हटते मानसून की जो गति है वो उत्तरी छोर की अपेक्षा तीव्र गति से होती है। बाई अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लगभग दिसंबर के महीने तक आते आते जो मानसून है वो लगभग पूरे भारत से जो है वापस जा चुका होता है। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शोवर्स। और इस दौरान जो है हमारे जो आइलैंड्स ग्रुप्स हैं ये जो हैं मानसून के फर्स्ट जो शोवर्स होती बौछारें होती हैं वो सबसे पहले जो बौछारें होती हैं वो हमारे द्वीपीय देशों के द्वीपीय समूह के अंदर होते हैं, द्वीपीय क्षेत्रों के अंदर होते हैं। प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे हम ये दक्षिण से अपने उत्तर की दिशा में बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दक्षिणी जो अपने आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर मानसून की बारिश होती है, फिर धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती हैं। फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, अप्रैल के प्रथम सप्ताह से लेकर के मई के महीने तक ये जो हैं आगे बढ़ते हैं। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो पीछे हटता हुआ मानसून है या रिट्रीट करता हुआ मानसून है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाता है, टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक लगभग मानसून जो है वो रिट्रीट कर चुका होता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। और अब तक जो है लगभग अपना जो ऊपर वाला जो भारत है वो अपना पूरी तरह से जो विंटर मानसून है यानी पीछे हटता हुआ जो मानसून है जो नवंबर से अक्टूबर नवंबर के अंदर होता है, जैसे कि आपने साइक्लोन सुनामी वाला वो सुना होगा 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी लहरें आई थी, ये साइक्लोन की वजह से भूकंप की वजह से होने वाले या भूस्खलन की वजह से होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी। तो इस प्रकार से जो पीछे हटता हुआ जो मानसून है इस मानसून से जो हमारे तटीय प्रदेश हैं पर्टिकुलरली जो अपना उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो एरिया है यहाँ पर पीछे हटते हुए मानसून से अधिक बारिश होती है। और इवन जो हमारा जो पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट की जो रेन शेडो जो एरियाज होते हैं उसमें पीछे हटते हुए मानसून से ही बारिश होती है। इसके बाद में देखिए सीजन्स कैसे बनते हैं, ये हमने देखा कि मानसून कैसे आगे बढ़ता है, कैसे ये आगे कितने पीछे आगे बढ़ने के बाद किस प्रकार से इसकी रिट्रीटिंग पोजिशन वो स्टार्ट होती है। अब देखते हैं सीजन्स के बारे में। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज बाई डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जो मानसून टाइप का जो जलवायु होती है उसकी एक विशेषता ये है कि इसमें जो अपने ऋतुओं का जो पैटर्न है ऋतुओं की जो स्थिति है उस वो भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर सीजन। देखिए हमारी जो मौसम संबंधी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में अलग अलग देखने को मिलती हैं, जैसे कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, यहाँ का टेम्परेचर जो है भारत में कहीं कहीं पर तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो जाता है, और भारत के अंदर सर्दी के अंदर कहीं कहीं ये -40 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो इतनी विभिन्नता हमें यहाँ टेम्परेचर की देखने को मिलती है ऋतुओं के अनुसार। दी चेंजेज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस प्रकार के जो बदलाव हैं ये विशेष तौर पर भारत के जो आंतरिक हिस्से हैं वहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो आपकी कॉन्टीनेंटल जो एक्सपीरियंस होता है जो समुद्री प्रभाव होता है उसके जो प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दो देर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। देखिए हमारे जो तटीय प्रदेश होते हैं वहाँ तापमान के अंदर अधिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलते, हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर बरसात का जो पैटर्न है बारिश में जरूर विभिन्नता देखने को मिलती है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर कितनी ऋतुएँ आती हैं, आप कितनी ऋतुओं को अनुभव करते हैं वहाँ पर। हमारे अगर जो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देयर आर मेन फोर सीजन्स। भारत के अंदर प्रमुख रूप से चार ऋतुएं होती हैं, द कोल्ड वेदर सीजन जो हमारा जो सर्दियों का जो मौसम होता है ठंडा ठंडी हवाएं जो चलती हैं, द हॉट वेदर सीजन और गर्म मौसम के जो ऋतु होती है, द एडवांसिंग मानसून आगे बढ़ता हुआ मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस और पीछे हटता हुआ मानसून जिसमें कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो मानसून का विड्रॉल है वो हमने देखा, मानसून के एडवांस है वो देखा हमने। उसके बाद देखिए जो सीजन है द कोल्ड वेदर सीजन, सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब कोल्ड वेदर सीजन है जिसको कि विंटर वीक के नाम से जानते हैं, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन
नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे स्टिल फरवरी, फरवरी तक ये रहता है। देखिए नवंबर के मध्य में ये शुरू हो जाता है और लगभग फरवरी महीने तक ये उत्तर भारत के अंदर जो देखा जाता है सर्दी की ऋतु। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर भारत का अगर जो सर्दी की ऋतु की बात करें हम, तो इस यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के महीने होते हैं, ये सबसे ठंडे महीने होते हैं सर्दी की ऋतु के उत्तर भारत के अंदर। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता चला जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। यदि हम तटीय प्रदेशों की बात करें तो यहाँ का तापमान, जैसे चेन्नई का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, हमारे पूर्वी तट पर है, यहाँ का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के बीच पाया जाता है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जबकि हम उत्तर भारत की बात करें, इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है, यानी इतनी विभिन्नता यहाँ पर तापमान में देखने को पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, यहाँ पे दिन जो हैं गर्म होते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं उत्तर भारत के अंदर। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लॉप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल। भारत के उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जो उच्च क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बर्फबारी होती है और फ्रॉस्ट यहाँ पर यानी कोहरा अधिक देखने को मिलता है, और जो हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है ड्यूरिंग दिस सीज़न। और इस सीज़न की मुख्य विशेषता क्या है, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, यानी पूरे भारत के ऊपर देखा जाए, ये उत्तर भारत के अंदर जो अपनी उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं उनका प्रभाव पूरे भारत पर देखने को मिलता है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये जो पवने हैं ये धरातल से समुद्र की ओर चलती हैं, एंड हैंस और इसलिए फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ए ड्राई सीजन। भारत के अधिकांश हिस्सों में ये जो ऋतु होती है ये शुष्क ऋतु होती है, यानी इसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर या बारिश नहीं होती। मॉइस्चर जरूर होता है लेकिन बारिश नहीं होती। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑक्योर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स, इन पवनों से जो है कुछ तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर हल्की कोई बारिश होती है। हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि यहाँ से जो पवने होती हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी से आपके धरातल की ओर चल रही होती हैं, इसलिए यहाँ से जो है बारिश होती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यदि हम देश के उत्तरी पार्ट के हिस्से की बात करें, ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स, यहाँ पर एक कमजोर सा उच्च वायुदाब क्षेत्र डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, और धरातल से जो पवने हैं वो बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती हैं, यानी समुद्रों की तरफ यहाँ से खिसकनी शुरू हो जाती हैं पवने। इन्फ्लुएंस्ड बाई द रिलीफ, और धरातलीय क्षेत्रों से प्रभावित होने की वजह से, यानी धरातल से प्रभावित होने की वजह से विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियाँ होती हैं उनसे प्रभावित होने, दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, ये गंगा घाटी से होते हुए आगे बढ़ती हैं फ्रॉम द वेस्ट पश्चिम की दिशा में एंड द नॉर्थ वेस्ट, यानी अपने पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये बहती हैं। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई, और इस समय का जो मौसम होता है वो बिल्कुल साफ होता है, साफ मौसम होता है। इससे मतलब ऋतु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस दौरान जो है मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहता है। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर लो टेम्परेचर्स, यहाँ तापमान जो है वो कम होता है, एंड लो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी कम होती है, एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, और हल्की जो विभिन्न प्रकार की पवने चलते हैं, कभी तेज हो जाएं, कभी बिल्कुल हल्की, कभी इतने वायु के पवन के अंदर अधिक ठंड होती है, कभी टेम्परेचर थोड़ा सा अप हो जाए तो उन्हीं की जो जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाती हैं। ए करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज। अब यहाँ पर एक विशेषता जो हम इस ठंड के जो ऋतु है, मौसम है, इस मौसम की एक उत्तर जो भारत का मैदान है यहाँ पर एक इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखते हैं, एक चक्रवाती जो झंझावत की स्थिति बनती है जो कि पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा में जो बढ़ता है उसकी एक सिचुएशन यहाँ पर बनती है। द लो प्रेशर सिस्टम्स, और यहाँ पर जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र बनता है ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, क्योंकि हमारा जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर पर क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। हमने देखा था कि जो
तटीय प्रदेश होते हैं या महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर समुद्र वगैरह होता है, तो उनका जल न तो जल्दी ठंडा होता है और न जल्दी गर्म होता है, इसलिए वहाँ पर ओशियनेटिक जो कॉन्टिनेंटलिटी जो एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रैटमा होता है, वैसे ही वहाँ पर जो फिनोमेना होता है वहाँ पर मेडिटेरियन ओशियन के ऊपर जो है जल न जल्दी ठंडा होता है न जल्दी गर्म, तो इसलिए वहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है सॉरी, और टेम्परेचर भी आपका यहाँ पर हाई हो जाता है, जबकि मैदानों के अंदर ठंड होने की वजह से टेम्परेचर लो रहता है और हाई प्रेशर का जोन बन जाता है। एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और ये पश्चिमी एशिया से होता हुआ भारत के अंदर ये जो चक्रवात है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से ये प्रवेश कर जाता है अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो, और इन्हीं के साथ जो हमारे वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स हैं उन पवनों के साथ ये भारत के अंदर प्रवेश करता है, और इससे जो हमारे उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी जो हिस्से हैं भारत के यहाँ पर कुछ बारिश होती है। दे कोज द मच नीडिड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और इससे जो हल्की फुल्की जो बारिश होती है जिनकी की जो हमारी जो रबी की फसल होती है उसको इसकी बहुत आवश्यकता होती है, तो ये फसलों के लिए अनुकूल बारिश लेकर के आते हैं मेडिटेरियन ओशियन जो सी वाले जो पवन होती हैं। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल, यद्यपि देखा जाए जो इस दौरान जो सर्दी की ऋतु में जो बारिश होती है जिसको कि आमतौर पर हम महावत बोलते हैं, ये इसकी मात्रा कम होती है, बट दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, लेकिन रबी की फसल के लिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है। रबी की फसल में ये एक तरह से जो मैन्यूर का काम करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि एक वो बोलते हैं ना आग में घी डालने वाला काम, तो उस तरह का काम करती रबी की फसल में एक बहुत अच्छी तरह से ये पानी की कमी को पूरा कर देती है। इसी प्रकार से द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, यदि हम प्रायद्वीप भारत की बात करें प्रायद्वीप पठार की बात करें तो वहाँ पर एक तरह से कोई निश्चित ठंड का मौसम नहीं है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द से। देखिए यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर तापमान के अंदर न के बराबर आपको चाहे कितनी भी ऋतु परिवर्तन यहाँ पर होते रहें, यहाँ पर तापमान के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन अन्य पार्ट में जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है उसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बदलाव होते हैं टेम्परेचर के अंदर वो देखने को नहीं मिलते। तो इस प्रकार से आज हमने जो हमारा जो सीजन्स हैं मानसून का ऑनसेट एंड विड्रॉइंग है वो आज हमने जाना है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस जो अपने जो 3 सीजन्स रह गए हॉट सीजन मानसून सीजन ये इनको जो है हम डिस्कस करेंगे, एडवांसिंग मानसून कैसा होता है रिट्रीटिंग मानसून क्या है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए इसको जो है शॉर्ट जो आपके जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ताकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ से जो आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी इनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।